किन्निया चीजा हो गईया? तीन चीजा। चौथी चीज फरमाया दोनों के दरमियान सबर होना चाहिए, दोनों साबिर होन, दोनों साबिर। साबिर किवें दे? अगर मर्द वालों को तकलीफ आ गई है तो बीवी सबर करे, अगर बीवी वालों तकलीफ आ गई है तो बंदा सबर करे। ये नहीं है नवाब बन के बह गया है तो जे उन्हों को तकलीफ उन्हों को दे लो, कोई उन्हों तकलीफ पहुंच गई है तो वो आखे मैं तो राज दुलारी हाँ, मैनू तो कभी मेरे मापिया के घर जन्ना वो कंडा नहीं चुभिया, तो तेरे को आके मैं किवें बर्दाश्त कर सकनी आ। अल्लाह की कसम जो इवें धियां की सोच बन जाए वह धियां वस नहीं सकदियां, वह धियां सारी जिंदगी परेशान रहिंदियां ने। और जिहड़ियां धियां अपने घर चल विदा होने लगदियां ने, मापे एक अकल च गल खाने च गल बिठा के घलदे ने, पुत्र उत्थे दुख आए उत्थे सुख आए, अपने रब दियां मिन्नतां ते तरले मारने नहीं, अपने मापिया वाल नहीं वेखना, अपने भरावां वाल नहीं वेखना, अपने इज्जत वकार वाल नहीं वेखना। अल्लाह की कसमें उस औरत नूं आसमाना तो रब अपनी रहमत दा जरूर साहिबान अदा कर देंदा है। दोनों ही साबिर होन, दोनों ही साबिर एक दूसरे दे बारे। कोई मामला बन गया मर्द को भी तकलीफ पहुंच सकती है, सबर करे। औरत वालों मर्द नूं तकलीफ पहुंची है, सबर करे, कोई गल नहीं मेरी बीवी है। और जिवें असीं कहिंदे आ ना घर च पए दो भांडे भी आपस खै पैंदे ने, अगर इन्हां दोवां आपस च एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करनी तो फिर तीसरा कौन है जिहड़ा इन्हां दी बर्दाश्त करेगा? बहमी एक दूसरे दीआं परेशानियां उन्हां दा मुदावा करन। औरत नूं परेशानी आई है, बंदा अपने अल्लाह दीआं मिन्नतां करे, या अल्लाह दी परेशानी नूं दूर फरमा। बंदे नूं परेशानी आई है, बीबी दुआवां करे।